हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड वुमेन हॉस्पिटल से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शोएब खान, जो कि हमारे यहाँ के नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। अक्सर डिलीवरी के बाद डॉक्टर शोएब मदर्स पूछती हैं कि क्या हम न्यू बॉर्न्स को डायपर्स पहना सकते हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? जी, ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो माएँ पूछती हैं बच्चों के बारे में। मेरा सजेशन तो ये है कि आप डायपर भी पहना सकते हैं, आप फाली भी यूज़ कर सकते हैं। डायपर्स यूज़ करने का बेनिफिट ये रहता है कि बच्चा सॉइल कम होता है, बच्चा गीला कम होता है और उसका जो बाकी कपड़े, बच्चे का ब्लैंकेट, बच्चे के मिटेंस और दूसरे इस्तेमाल की चीज़ें कम खराब होती हैं। डायपर यूज़ करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड है, लेकिन डायपर के साथ कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि क्या ऐसी हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए डायपर के इस्तेमाल के समय में? जी, डायपर यूज़ करने में माओ का सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि डायपर एक बार आप यूज़ करें तीन से चार घंटा, पाँच घंटा आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको डायपर यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा भी यूरिन या पॉटी कर रहा है तो बच्चे के डायपर फुल होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का यूरिन और स्टूल ये एसिडिक होता है और बच्चे का स्किन सेंसिटिव होने की वजह से ही डायपर रैश की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि अगर आप फुल करने का वेट करेंगे तो बच्चे में कॉमन होगी। यू मीन टू से कि फ्रीक्वेंटली हमें डायपर्स चेंज करना चाहिए, और जैसे ही पता चले कि बच्चे ने स्टूल किया है तो इमीडिएटली हमें चेंज करना चाहिए डायपर, भले ही आपने 10 मिनट पहले ही क्यों ना एक फ्रेश डायपर पहनाया है। तो अक्सर पेशेंट्स लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि डायपर अगर हम लोग पहना रहे हैं तो डायपर रैश हो रहा है, इसलिए वो डायपर पहनाने में आनाकानी करते। तो क्या है ये डायपर रैश और क्या किया जा सकता है डायपर रैश से बचने के लिए? बिल्कुल, डायपर पहनाने की वजह से कभी भी डायपर रैश नहीं होता है, डायपर को गीला छोड़ने की वजह से डायपर रैश होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बार बार चेंज करेंगे, अगर आप बच्चे की स्किन पे यूरिन या पॉटी वाला डायपर ना रहने देंगे, जब भी बच्चा यूरिन या पॉटी करता है डायपर चेंज करें, उसे क्लीन करें, प्रेफरेबली बेबी वाइप से क्लीन करिए, उसको ड्राई होने दें और फ्रेश डायपर डालें, जनरली डायपर रैश की प्रॉब्लम नहीं देखने मिलती है। अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे तो डायपर रैश को प्रिवेंट किया जा सकता है। डू यू रिकमेंड कुछ तरीके के डायपर रैश क्रीम जिसे लगा करके या कोई एक होम रेमेडी जिसे हम लोग स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रख सकें? जी, अगर आप डायपर पहना रहे हैं अपने बच्चे को तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप डायपर रैश ऑइंटमेंट मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, आप वो लगाएं। रैश क्रीम लगा के अगर आप डायपर पहनाएंगे तो चांसेस बहुत कम होते हैं डायपर रैश होने के, ये ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि डायपर्स पहनाना कोई ख़राब बात नहीं है, इनफैक्ट वर्किंग मदर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, डिस्पोजेबल है, ईजिली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, और वो बार बार क्लोथ के नापीस को चेंज करना, धोना और उसके साथ में बाकी बच्चे के सब लेनेंस का सोयल होना, ये सब प्रॉब्लम इसके साथ नहीं रहती है। ज़रूरत है तो कुछ बातों की ध्यान में रखने की कि फ्रिक्वेंटली डायपर्स को चेंज करिए, अच्छी कंपनी के डायपर्स का इस्तेमाल करिए, जैसे ही पता चलता है कि डायपर्स स्टूल से सोयल हो चुके हैं उसे इमिडिएटली चेंज करिए, और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड अगर हम रखते हैं तो डायपर रैश से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।